हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अमन सिंह और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ स्टेयर केस की लाइटिंग के बारे में, क्योंकि काफी सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आए हैं, काफी सारे लोगों के क्वेश्चन रहे हैं कि सर स्टेयर केस में लाइट कैसी देनी चाहिए, कौन सी लाइट दें, स्ट्रिप लाइट दें जैसे आप देख रहे हैं, इस तरह की लाइटें दें, या फिर जैसे कि स्क्वायर शेप में आपको लाइट दिख रही है, ये लाइट लगानी अच्छी रहती है कि नहीं रहती है, किस लाइट को लगाने से लुक ज्यादा अच्छा निकल के आता है, या फिर स्टोन के पीछे हम लाइट दें, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ट्रांसलूसेंट स्टोन है, ऑनिक्स स्टोन, इसके पीछे लाइट देना अच्छा रहता है कि नहीं रहता है, तो कौन से ऐसी चीजें हैं जिससे हम कौन सी लाइट लगाएं स्टेयरकेस में जिससे हमारा लुक अच्छा निकल के आए और हमारी लाइटें जल्दी खराब ना हो। तो ये दोनों फैक्टर होते हैं। देखो, काफी लोग तो लाइट तो लगा देते हैं लेकिन वो क्या है, कुछ समय बाद जल्दी खराब हो जाती है, तो ऐसे कौन से ऑप्शन है जिससे लाइट जल्दी खराब ना हो और आपका लुक अच्छा निकल के आए, तो मैं इस वीडियो में यही चीज आपसे बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले आते हैं, तीन मेथड हैं इसके। सबसे पहले एक तो स्ट्रिप का यूज कर सकते हैं आप, सेकेंड है जैसे स्पॉट लाइट स्क्वायर शेप में जो आपको लाइट दिख रही है ये भी यूज कर सकते हैं, थर्ड ऑप्शन है कि आप स्टेयरकेस में पत्थर या फिर जो स्टोन आपने लिया है इसके पीछे भी आप लाइट लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इस वाली स्टेयरकेस की लाइटिंग के बारे में। सबसे कॉमन चीज है, सभी लोग जानते होंगे कि इस तरह की लाइटें आपने देखी भी होंगी कई सारे घरों में, बहुत कॉमन चीज है, लेकिन कॉमन होने के बावजूद भी लोग इसको लगाने से परहेज भी करते हैं काफी लोग बाद में पछताते हैं। अब इसका रीजन क्या है, देखो ध्यान से देखना, स्किप मत करना अगर आप अपने घर में इस तरह कुछ चीजें लगवा रहे हैं। तो इसमें दिक्कत क्या आती है कि जैसे आजकल क्या है, मार्केट में काफी सारी स्ट्रिप लाइट आती है, स्ट्रिप लाइट मतलब कि जो 15 फीट की लाइटें आती हैं, जैसे आप सामने इमेज में देखें ये स्ट्रिप लाइट की मैं बात कर रहा हूँ जो चिपकाने वाली होती है, लेकिन लोग क्या करते हैं, आजकल काफी ट्रेंड चल रहा है कि जैसे फॉल सीलिंग में, जैसे यहाँ फॉल सीलिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे उसे चिपकाने वाली स्ट्रिप लाइट लगाई गई है, क्योंकि इससे क्या है आपकी लाइट आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होती है, लाइट का एक जो कंटिन्यूटी होती है वो प्रॉपर शेप में रहती है। लोग क्या करते हैं आजकल सस्ते के चक्कर में, जो दिवाली में लोग लड़ी लगाते हैं, फिर जिसको लंबी पाइप वाली लाइटें होती हैं वो ले आते हैं, उसको कोव में लगाते हैं कि सस्ते में काम निपट जाएगा, लेकिन उस लाइट को लगाने से कोई फायदा तो मिलता नहीं है, क्योंकि वो प्लास्टिक की ऊपर काफी मोटी लेयर होती है प्लास्टिक की, वो आप एक फेस चिपका सकते नहीं, उसको क्लैंप भी नहीं कर सकते, तो आप लगा रख देते हैं खाली यहाँ पे, और रखते हैं तो कुछ पोर्शन ऊपर रहता है, कुछ साइड में होता है, कुछ नीचे दब जाता है, इससे क्या लाइट परफेक्ट कोव बन नहीं पाती है, वहां पे जो कोव में लाइट आप देते हैं वो प्रॉपर शेप में नहीं निकल पाती है उसकी लाइटिंग। तो कभी भी इस तरह की लाइटें आप मत यूज करना अगर आप कहीं भी दे रहे हैं, खासकर जो आप दिवालियों में यूज करते हैं पाइप वाली लाइट, या फिर जिसमें जो ये लाइट आप देख रहे हैं स्ट्रिप वाली, इसकी ये सब लाइटें आप कतई मत यूज करना, आपको चिपकाने वाली लाइटें ही यूज करनी है, भले ही महंगी हो या सस्ती हो। अब आते हैं किस तरीके से यूज करनी है। यहाँ पे देखो लोग क्या करते हैं कि जैसे ये सामने आप स्टेयरकेस देख रहे हैं, इसमें जो व्हाइट पत्थर दिख रहा है आपको, ये हो गया राइजर, राइजर मतलब जो खड़ा पत्थर होता है, अब जिस पे आप जिस स्टेप पे पैर रखते हैं आप उसको बोलते हैं ट्रेड, जैसे ये ब्लैक वाला पत्थर आपको जो दिख रहा है ये ट्रेड है। अब काफी लोग इसमें पत्थर वाले क्या करते हैं, सिंपल सा है कि जब राइजर और ट्रेड के बाद जब टक्कर निकलती है पत्थर की, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इमेज में टक्कर निकल रही है काले वाले पत्थर के बाहर, तो इस काले वाले पत्थर और व्हाइट वाले पत्थर के बीच में एक हल्का सा गैप दे देते हैं, जिसमें कि ये आपकी जो स्ट्रिप लाइट है या फिर लड़ी है ये चिपक जाए वहां पे पत्थर के अंदर, नाली टाइप की बन जाती है उसमें चिपका देते हैं लोग, आपका बिजली वहां चिपका देगा, ऐसा ही चिपका तो दिया आपने भाई, सब कुछ चल भी गया, इस तरीके से लुक भी आ गया, लेकिन क्या होता है मान लिया मुश्किल से मुश्किल दो तीन चार महीने बाद, क्योंकि भाई सिंपल से बात है बड़े घर होते हैं तो साफ सफाई होती रहती है, और इन केस कहीं ना कहीं अगर पानी आपकी इस लड़ी में आगे पड़ गया कि कुछ और हो गया, मॉइस्चर आ गया, तो क्या होता है ये लड़ी खराब हो जाती है, यानी ये स्ट्रिप लाइट बेकार हो जाती है, क्योंकि काट काट के लगाई जाती है, ऐसा तो है नहीं कि एग्जैक्ट साइज की आएगी आपके स्टेयरकेस के हिसाब से। तो यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि आप जो ओपन खाली चिपका देते हैं इस लड़ी को या फिर स्ट्रिप लाइट को, तो कुछ ही महीनों बाद ये खराब हो जाती है, फिर आप कितना निकालोगे, फिर लगाओगे, फिर खराब होगी, फिर निकालोगे, फिर लगाओगे, यही करते रहते हैं और लोग परेशान होकर लास्ट में छोड़ देते हैं, फिर ये स्ट्रिप लाइट कभी भी घर में काम नहीं आती है। फ्रेंकली मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात है ये।
कभी भी बड़े घरों में जाइएगा, अगर इस तरह की स्ट्रिप लाइट कोई लगाता है, नॉर्मली ऐसे चिपका देता है खुले में, तो वो कुछ दिन बाद ही खराब होती हैं, वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाती हैं। इसका रीजन ये है कि भाई चलते फिरते स्टेयरकेस का पोर्शन है, झाड़ू पोछे तो लगता रहता है उसमें, तो सिंपल से मॉइस्चर रहेगा खुले में। जब आपने स्ट्रिप लाइट खाई नीचे से चिपका दिया पत्थर के नीचे, तो पक्का है मॉइस्चर है, पानी है, कुछ ना कुछ उसके ऊपर आता रहता है, उसकी वजह से वो खराब जल्दी हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि जब भी आप इस तरह की स्ट्रिप लाइट आप लगाते हैं स्टेयरकेस के नीचे लंबाई में, तो आप हरदम प्रोफाइल का ही यूज करें। अब काफी लोग बोलेंगे प्रोफाइल क्या है, तो जैसे ये देख रहे हैं ये एल्युमिनियम प्रोफाइल, जैसे ये आप सीलिंग में देख रहे हैं यहाँ पे प्रोफाइल लाइट लगी हुई है, प्रोफाइल लाइट नहीं कहेंगे, प्रोफाइल लगी हुई है एल्युमिनियम की, उसके अंदर लाइट स्ट्रिप चिपका के तब इसके ऊपर पैक करके तब इसको लगाते हैं। तो देखिए ये मैं इमेज दिखा दे रहा हूँ आपको, एक सैंपल इमेज, इस तरीके से अलग अलग साइज की एल्युमिनियम प्रोफाइल मार्केट में अवेलेबल होती है, 10-10 फीट की, 12-12 फीट की। तो आपको जितना पतला चाहिए या फिर जितना मोटा चाहिए, जो आपकी स्टेयरकेस के नीचे आराम से लग जाए, आप किसी तरह उसको पेंट से टाइट कर सकते हैं, लाइट से टाइट कर सकते हैं, ये पत्थर वाले को दे देंगे, पत्थर वाला भी इसको फिट कर देगा हैंड टू हैंड, जब आपकी स्टेयरकेस में पत्थर लगता है उस टाइम। खाली बिजली वाला क्या करेगा, बिजली वाला खाली इसमें स्ट्रिप लाइट चिपका देगा अंदर, और ऊपर से इसमें जो ऊपर से प्लास्टिक की एक पैकिंग होती है, कवर कह लो पैकिंग कह लो, वो कवर लगा देगा और आप एकदम सेफ रहोगे। इससे क्या है, एक जो लाइटिंग का इफेक्ट होता है वो बड़ा प्यारा निकल के आता है, और सेकंड है कि आपकी स्ट्रिप लाइट जो होती है वो सेफ रहती है, मॉइस्चर जल्दी इसके अंदर नहीं आता है। अगर नॉर्मल आप कभी स्टेयरकेस को कभी पानी से धुलना भी हो तो जल्दी इसके अंदर पानी नहीं जाएगा, सेफ रहेगी पानी से। तो सिंपल सी बात है, क्यों नॉर्मल स्ट्रिप जो होती है वो वाटरप्रूफ होती नहीं कंपनी की, अगर आप जो घर के अंदर लेते हैं वो वाटरप्रूफ नहीं होंगी, सिंपल से वाटर टच में आएंगे तो खराब हो जाएंगे। प्रोफाइल के अंदर, एल्युमिनियम प्रोफाइल के अंदर लगा के आप लगाते हैं, यूज करते हैं, तो वो जल्दी खराब नहीं होगी, ठीक है। तो ये काम जरूर करना, इस तरह का भी स्टेयरकेस में अगर लाइटिंग आप दे रहे हैं तो एल्युमिनियम प्रोफाइल का यूज करना, पतली वाली एल्युमिनियम प्रोफाइल का, उसके अंदर स्ट्रिप लाइट लगाना तब आप यूज करना, ठीक, तो जल्दी खराब नहीं होगा। अब आते हैं दूसरे सेकंड स्टेप पे, कि इस तरह की जो स्क्वायर लाइटें होती हैं तो ये यूज करें या ना करें। देखो स्क्वायर लाइटें हैं, यूज कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन इनका कोई बहुत अच्छा इफेक्ट निकल के नहीं आता, क्योंकि ये साइड साइड में थोड़ी बहुत थोड़ा सा स्पॉट बनाती हैं और महंगी भी होती हैं, महंगी मुश्किल से, अगर जैसे ये लाइट है तो ये 800-900 या फिर 1000 रुपये की मांग चले आप मोटा मोटा, अगर कंपनी की अच्छी कंपनी लेते हैं तो और भी लोकल भी कंपनी की आती हैं, लेकिन लगा सकते हैं अगर आपकी पसंद है, ये बजट कम है। और अगर आप दोनों यूज करते हैं, मतलब जैसे सामने जो स्ट्रिप लाइट आपको दिख रही है पर स्टेप वाली, ये अल्टरनेट करके अगर आप ये भी लाइट यूज करते हैं तो बहुत ही प्यारा इफेक्ट निकल के आता है स्टेयरकेस में। तो मेरी सजेशन तो यही रहेगी, आप जब भी कभी स्टेयरकेस में लाइटिंग लगवाएं तो दोनों लगवाएं। मान लीजिए कभी एक मन हुआ तो एक जला लिया आपने, जैसे ये सामने दिख रहा है, तो ये वाली अगर आपको इस लाइट जलानी है, ये वाला इफेक्ट पाना है, तो ये वाली आपने लाइट जला ली, आपको नहीं पसंद आ रही तो आपने बंद कर दिया, तो ये साइड वाला इफेक्ट जो आ रहा है ये आपने जला लिया। कभी कोई फंक्शन हो आपके घर में, कोई बर्थडे पार्टी है, किटी पार्टी है, कुछ भी है, तो उस टाइम फंक्शन टाइम पे आपने दोनों एक साथ जला लिए, तो बहुत ही प्यारा इफेक्ट निकल के आता है। तो दोस्तों ये दो ऑप्शन है आपके पास, दोनों ही अच्छे हैं, बस ऐसा ही यूज करना जैसे मैंने बताया है आपको। अब आते हैं कि लास्ट में, कि पत्थर के अंदर, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने इसकी पहले बहुत पहले वीडियो बना चुका हूँ 2 साल पहले, तो आप वहां पर जाके पूरे डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। अब ये पत्थर के अंदर लाइट देने से क्या फायदा, देख कई आप फायदा तो कुछ नहीं कहेंगे वैसे कि क्या फायदा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको ये पता नहीं चलता किसी दूसरे बंदे को कि लाइट, वो सोचने में लगता है ये लाइट कहाँ से आ रही है, पत्थर के अंदर से तो आ रही लेकिन कैसे लगी होगी, इसमें क्या साइड से बॉक्स बनाया था पूरा पत्थर का, फिर कोई सस्ता पत्थर ले लें, गैप दिया था जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोफाइल लाइट फिर लगाई जाती है, फिर आप प्रोफाइल लाइट नहीं लगाते हैं कोई बात नहीं, नॉर्मल आप लकड़ी की प्लाई की पट्टी काट के उस पर स्ट्रिप लाइट चिपका के इसके अंदर स्लाइड करते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है सैंपल के तौर पर। तो इससे क्या है, ऑनेक्स पत्थर जो होता है वो ट्रांसलूसेंट पत्थर होता है, तो जब भी इसके अंदर लाइट जलेगी तो उस लाइट का 50% या 70% 80% लाइट वो बाहर दिखेगी आपको, और पूरी एक एक स्टेप पूरा निखर के आएगा। इसमें क्या है, लाइट आपको कहीं दिख नहीं, खाली लाइट का इफेक्ट दिख रहा है, जो प्रोफाइल लाइट या फिर स्ट्रिप लाइट या कुछ भी आपने लगाया है वो हिडन है इसके अंदर,
तो वो थोड़ा सा एक अलग ही लुक निकल के आता है पूरे पत्थर के साथ, और पत्थर में जो डिजाइन या फिर रेशा होगा उसका इफेक्ट बहुत ही प्यारा निकल के आता है। तो इस तरीके से भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन सबके बस की बात नहीं होती क्योंकि काफी कॉस्टली पड़ता है। पहली बात तो पत्थर वाला भी आपका एक्सपीरियंस बंदा हो जिसने इस तरीके का कभी काम करवाया हो तभी कर पाएगा। ऑनिक्स पत्थर जिस पत्थर वाले ने लगाया होगा वही काम करे तभी बेटर है, नॉर्मल पत्थर वाला ऑनिक्स नहीं लगा सकता क्योंकि ज्वाइंट का इशू हो जाता है, तो ये चीज ध्यान रखें। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जो करिएगा, सब्सक्राइब जो करिएगा, शेयर जो करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।